इतने टाइम से ऐसा था, वो दिसंबर में दो दो शादियाँ, दो दो शादियाँ, फाइनली वो सब ख़त्म हुआ और अब हम यहाँ से अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे सॉरी। तो नहीं कितने दिनों के बाद खुद घर पे अपना हेयर वॉश किया, तो मैं इतने ध्यान से कर रही थी ना, बिल्कुल सर पीछे कर करके कि ज़रा भी पानी आँखों पर ना आए। पता नहीं क्यों एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की मेरी अब आदत ही बन चुकी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ बस अब कुछ ना हो, क्योंकि उस टाइम पे जब मुझे दर्द हुआ था ना, गॉड उसे याद करके भी मतलब मैं डर जाती हूँ। हम रेडी हो रहे हैं अब इतने दिन बाहर रुकने के बाद, अब हम अपने गांव जाएंगे। तो जैसे कि आपको पता, रूबी अप्पू जीजू भी आए, वो लोग भी जा रहे हैं और मम्मी पापा भी रेडी हो चुके हैं, बस सामान बाहर ले जा रहे हैं और मैं भी रेडी हूँ। जब ऐसे सारी फैमिली साथ होती है ना तो इतना अच्छा लगता है, तो अभी मुझे काफ़ी सुकून है कि चलो कुछ दिन तो सही हम सब साथ रहेंगे। वैसे तो मुंबई में भी साथ रहे थे, बट जो अपने घर में साथ रहने का मज़ा है ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। बस जो हमारी तीसरी बहन है ना जो कैनेडा रहती है, उसकी कमी हमेशा खलती रहती है, बट चलो अब तो आने वाले टाइम में वो भी आ ही जाएगी। सो वी आर सो एक्साइटेड कि हम सब साथ में रहेंगे और जब तो वो आएगी तो खूब मस्ती करेंगे हम। आप वैसे ना काफ़ी लोग उसके बारे में पूछते रहते हैं कि वो कहाँ है, क्यों नहीं आती है। वो कनाडा में ऑफकोर्स अपने काम की वजह से नहीं आ पाती है, बट अब मार्च में मेरी शादी है तब तो ऑफकोर्स उसको आना ही होगा। जब वो आएगी तो मैं आपके लिए खूब सारे व्लॉग्स बनाऊंगी और जो हम मस्ती करते सब दिखाऊंगी। मम्मी जब भी हम कहीं ऐसे वेकेशन पे बाहर जाते हैं तो आप रोजी को कितना मिस करते हो? बहुत ज़्यादा मिस करते। मेरी जो मतलब खुशी होती है वो आधी खुशी तो यही सोच के इधर उधर हो जाती है कि वो होती काश तो फिर डबल अब तो आने वाली है ना वो काम 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 घर वाले भी कुछ चीज़ होती है। हाँ अभी इसको काम काम चाहिए ना, ये नहीं पता अभी जब तक माँ बाप है घर में तो घर जाना पड़ता, काम तो पूरी जिंदगी। सुन रही है, कान खोल के सुन ले, जो बच्चे फॉरन में रहते हैं ना साल में एक बार तो घर आ जाया करो मम्मी पापा के पास, वो तो है ही। सो अभी हमको जैसे रोजी का इंतजार है, आई एम श्योर आप में से काफी लोगों के घर में कोई ना कोई तो होता ही होगा कि जो बाहर रह रहा है मिस कर रहा है, तो प्लीज घर आने का इरादा बनाइए प्लीज अपने घर वालों के लिए। अभी हम अपने गांव पहुंच चुके हैं और ठंड काफी ज्यादा हो चुकी है, ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं अभी, और मम्मी पैदल आई है ना, ये गाड़ी में आई है, मैं पीछे से पैदल आई हूँ। देखो मेरी मम्मी बहुत हेल्दी है ना, इसलिए मम्मी ने कहा कि मैं पैदल आऊंगी। नहीं नहीं मजाक कर रही हूँ, एक्चुअली मम्मी ओल अपू को अपू को हाँ रुको 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 दिखाती हूँ। लियो रूबी लियो 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 आप लाए नहीं ना, आप इसलिए कट्टा हो गया तू तो। अभी ना हम मतलब अपने घर नहीं पहुंचे थे, बीच में जो आया 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 लिया। अच्छा 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 अच्छा, हाँ जी हाँ जी, हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। वो मम्मा देख, मम्मी मम्मी उधर उधर, सिट मेरा बच्चा सिट, गुड बॉय गुड बॉय। अभी हम मतलब दूसरी जगह पहुंचे थे जहाँ हमारे बगीचे, तो यहाँ पे लियो मिल गया और ये इतना ज़्यादा खुश हो गया रूप दी और अप्पू जीजू को देख के, एंड ऑफ कोर्स मुझे मिल के तो हमेशा ये खुश होता ही है। क्या मतलब झूठी होता है ये खुश। सो गाइज अभी हम अपने घर जाएंगे थोड़ी देर में, टिल देन इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लियो आया बचाने मम्मी को। ये बढ़िया है। ये देती हूँ। हाँ ये खाता है मूंगफली। अरे मेरे अंकल चिप्स गिरा दिए। खा लिया सारा मूंगफली। सारा खा लिए। कुछ कुछ पीनट्स। कुछ पीनट्स। कुछ पीनट्स। ओयो। माय बेबी। आई मिस्ड यू माय लव। आई मिस्ड यू। He loves peanuts, huh? Yeah. Yes, baby. Yes, my bachcha. What? What? Big boy ban gaya abhi, big boy. Patta katta. Kahan ghumta rehta hai tu? Pure gaon mein. Ghar bahar hai tera koi ki nahi? Hello guys, good morning. Good afternoon. तो time थोड़ी ना आएगा नैना इस पे? नहीं फिर भी चलो ठीक है. Hello guys, welcome back to my. शुरू ही नहीं हो पा रहा यार. हेलो गाइस हाय
वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ क्योंकि जैसे भी हेलो बोल रही थी अपूजी जी को पता चल रहा था कि मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, बार बार हॉर्न ब्लो कर रहे हैं और अब तो मुझे लगता है मुझे रोकने के लिए बाहर आने वाले क्योंकि हमने बहुत लेट करवा दिया और हम सुबह से कर रहे हैं। अरे चलो 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 चलो, फिर कोई ना कोई पीछे रह जाता है। अभी ये देखो दिख रहा है जिसने लेट किया वो सबसे पीछे। सो अभी हम घूमने जा रहे हैं, घर बैठे बैठे बोर हो गए थे सो अभी चलते हैं एंड तब आपको भी साथ साथ बताती हूँ कहाँ जा रहे हैं हम। चलो आ जाओ मम्मी। इन द बैक पीछे बैठो। यू सिट इन द बैक। ओके फादर सिट इन द फ्रंट। You okay. sit in the back. Okay. नहीं back से इनका मतलब है you sit in the dicky. Yes. चल तू बीच में घुस। नहीं मैं यहाँ बैठ रही हूँ आप परे से। Okay, you sit in the front. यहाँ बैठे हैं बच्चे आ जाएंगे फिर। नहीं पापा को तो आगे बैठना पड़ेगा। Come on, let's go. घर से बाहर निकलो ना मम्मी कुछ ना कुछ काम पकड़ा ही देते हैं। मम्मी की घड़ी खराब हुई थी वो ठीक करनी है, मिक्सी खराब हुई है वो ठीक करानी है और एक दो काम है, पर पहले मैं इसको दे के आती हूँ। जैसी शक्ल है वैसी आएगी ना, बहुत ही अच्छी आएगी। क्या बोलना था पूरी? नहीं तो पहले खा ले गचक खा ले वाली। हाँ वही जो मम्मी ने काम दिए थे जो पीछे वो तो मैंने करवा दिए। हाँ। नहीं मैंने मशीन तो दे दी ठीक करने को बट मुझे याद आया कि घड़ी ठीक नहीं हुई थी, अब ये याद नहीं और रखी सच्ची याद नहीं आ रही मुझे। बैग में रखी तूने शायद? नहीं लड़की बोलती दुकान में बंद है इसलिए मैंने घड़ी नहीं। अरे नहीं यहाँ तो नहीं है जहाँ गाड़ी घूम की ना तो दे दूंगी। तो जब ओवरलोड करेगा एक बंदे को तो ऐसे ही होता है, क्या कर सकते हैं। हाँ, दो चीजों के लिए बहुत तो कैनी भी तो थी इसमें वो जो भरी नहीं है ना, वो भरी भी नहीं है। यार मैं थक गई थी, मैं क्या करती क्या करते थकी। इतना सारा काम था और मैंने थोड़ी बहुत और चीजें भी। एनीवेज अभी हम मम्मी पापा गाड़ी से जाएंगे और मैं और दो और बच्चे मेरे साथ हैं जो कि हम ट्रैक करते हुए चलेंगे। बाय बाय दोनों तीनों बच्चों। बाय बाय आप ड्राइव करके आओ। मम्मी पापा ड्राइव करके आएंगे और अपूजी जी ने कहा है कि बीच जंगल में मुझे कॉफी पिलाएंगे तो उसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। अपू ने दोस्त को तैयार कर दी है। किसी स्टिक कहां से आने वाली है? पापा मैं वेरी सॉलिड बंदा, मुझे जरूरत नहीं स्टिक्स की, मैं बिना स्टिक के ही इतना बढ़िया चलूंगी। बस चले अब, मेरे को ठंड लग रही है, तेरी वीडियो शेकी होती ही। अरे यार वीडियो खराब मत करो। अभी ना हमको एक आइडिया है रील बनाने का और पापा को कह रहे कि आ जा ले लो। पापा से गाड़ी पार्क नहीं हो रही उतनी देर में और हम कह रहे तब तक ठंडे हो जाएंगे। मम्मी बोल के मुर्गे बन जाए। ओके आगे। अभी ना फोटोज लेने के चक्कर में मैं और रूपदी थोड़े पीछे रह गए और अपू जी जो आगे निकल चुके तो मुझे ये लग रहा है कि वो कहीं छुप गया। अरे मतलब थोड़ी बहुत इतना तो चलता ही, तो मुझे ये लग रहा है कि अप्पू जी जो कहीं छुप के हमें डराने तो नहीं बैठे हैं क्योंकि दिख ही नहीं रहे वो दूर दूर तक। ये हमारा पहुंच के खाते हैं चल। पुराना घर दिखना शुरू हो चुका है यहाँ से, चलो और अभी ये रास्ते में जो वाइट वाइट है ना ये आइस जमना शुरू हो चुकी है बिकॉज यहाँ पे जैसे धूप ढलने लग गई है ना तो ठंड के कारण ये आइस जम जाती है। और जब तो शाम होती है ना मतलब ऐसे 6-7 बज जाएगी उसके बाद तो जैसे कोहरा गिरता रहेगा शाम, मतलब ये वाली आइस जमती रहेगी और ऐसे में ना चलना भी काफ़ी रिस्की होता है क्योंकि स्किड कर सकते हैं आप एंड ऑफ कोर्स अगर ऐसे रास्ते में ड्राइव करेंगे तो और भी ज़्यादा रिस्की है, इसलिए सर्दियों में लोग प्रेफर करते हैं कि शाम होने से पहले घर पहुँच जाए। सींग भी मारते हुए भी ये तो कुछ खाने के लिए चाहता है। सॉरी एक टक्कर खा ले बहुत अच्छा। नहीं देखो एक टक्कर होने से मारते भी सिंह मारते हैं। अब जीजू लटकाने के मूड से आया हमें। आज तो रोप लेकर भी नहीं आया, लटकेंगे तो कल। एक्चुअली अप्पू जीजू का प्लान है कि ये हमें रैपलिंग करवाएंगे तो उसके लिए देख रहे हैं कि कहाँ से की जा सकती है, बट मुझे तो डर ही लग रहा है क्योंकि मुझे इतने अच्छे से कभी की ही नहीं है ना आती है। एक बार की थी वो भी एक बिल्डिंग से लटक के नीचे ऐसे तो ज़्यादा। हाँ तो क्योंकि ये ऐसे बाहर आउटडोर्स मेरा फर्स्ट टाइम आने वाला है तो अप्पू जीजू कह रहे हैं कि मैं बहुत सिक्योर जगह में करवाऊँगा। अप्पू जीजू क्या मिला आपको? ब्यूटी ब्लेंडर। अब से रूपदी से मेकअप करेगी दिखाना तो ये स्टार की बॉटी है।
तारा गिरता है तो शिट करता है नहीं इट व्हेन इट स्ट्राइक्स द ट्रीज हाँ उधर से ऐसा कुछ बर्न होकर स्पॉन्ज जैसा गिरता है अरे कुछ नहीं ये स्टार की पॉटी होती थी हम बचपन में यही कहते थे और अब अप्पू जी ने आपके लिए आज मेकअप स्पॉन्ज रखा है तो प्लीज यूज इट स्टार्स डोंट पूपू तो ठीक है ना अब जो हमें छोटे में कहा मैं तो उसे ही मानूंगी अब बड़ी होगी अभी इतनी है अब मतलब बड़े लॉजिक्स लेके आऊं अब हाँ चलते चलते ज्यादा बात करती हूँ ना तो मैं पीछे रह जाती हूँ अभी मैं आगे चलती हूँ इनके साथ देर हो गई चलते चलते और जब हमने मतलब शुरू ही करना था अपने ट्रैक ना तो मुझे कहा था कि हम ना कुछ खाने के लिए बनाएंगे खाएंगे कॉफ़ी पिएंगे सैंडविच खाएंगे कुछ नहीं मिला क्या खाने के लालच में मैं भी आ गई अब तो अप्पू जी को पकड़ के बोलते कुछ खिलाएंगे अभी रूबी जी पापा का वीडियो बना रहे हैं जहाँ से पापा आ रहे हैं कि तो पापा को दिखाएंगे कि किस स्पीड से आते वो आ रहे हैं पापा वहाँ से जहाँ गाड़ियाँ क्रॉस हो रही है और यहाँ अप्पू जी अपना सामान लेके तैयार बैठे गर्मा गर्म खिलाऊंगा तुम्हें ऐसा कह रहे ऐसा हमसे वादा किया था नहीं पूरा भी कर रहे वादा तो ये अप्पू जी ने अपने स्टाइल में ब्रेड गर्म कर दिया है फॉइल के साथ सभी गर्म हो गया वाह एक साथ ही सारी वो यूज लेस वाटर सॉरी लेस वाटर पीने वाला है और गर्म भी है हां तो इसीलिए बोल रहा हूं खुद ही बता रहे हैं गर्म भी है पीने का भी है और गिरा भी रहे अब इन्होंने ने यहाँ पे ऐसे ब्रेड्स गर्म कर दिए और साथ में ये इसके अंदर की स्टफिंग है ये रुक जी बनाएंगे और मैं वीडियो बनाऊंगी और उसके बाद खा के बताऊंगी कि कैसा बना है भूख भी लगी थी अच्छा भी बना है थैंक यू आई एम टेलिंग यू अपने ही स्टाइल का कुछ सैंडविच बनाए पता नहीं क्या क्या डाल दिया ये बात तो सही कहती है रुदी की अप्पू जीजू की स्पीड बहुत है मुझे लगा एक ही खाया अभी तक चलने में भी तेज है खाने में भी तेज है वाह 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 अब इसके ऊपर इसको क्या नाम दूं कौन सा सैंडविच है This is open crispy sandwich. Trekking style sandwich. And it tastes so delicious. अभी हमने खाना भी खा लिया मतलब वही जो सैंडविच खा रहे थे और अब ठंड काफी ज्यादा हो रही है इसलिए अब हम नॉर्थ स्टॉप घर की ओर चलेंगे ये बेबी दीज आर द ओबराज आपको तो पता ही होगा सब बताती हूँ ना अच्छा आज का ना हमारा ट्रिक बहुत ही सिंपल सा और इजी था और अभी जो हम वापस जा रहे हैं ये अपने गांव के रास्ते होते जा रहे हैं तो अभी जो हमारा हमारी देवी का मंदिर है वो आने वाला है और उससे पहले ना हमको ढोल नगाड़ों की आवाज़ आ गई क्योंकि आई गेस वहाँ पे अभी शाम की आरती शुरू होने वाली है गाइज अभी हम घर जाएंगे और अभी आई गेस कितना अप्पू जी कितना किलोमीटर चले आज हम सिक्स हाँ साढ़े छः किलोमीटर मान लो आप अभी हम तक चले अभी तक हम चले हैं एक्चुअली काफ़ी दिनों से मैं वर्कआउट नहीं कर रही थी बिकॉज ऑफ माई आईज मैं अच्छे से रेस्ट कर रही थी बट आज से मैंने शुरू सोचा था कि मैं शुरू करूँगी अपना वर्कआउट और आज और आखिरी वाला था आज ये नहीं 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 आप कंटिन्यू करूँगी चाहे थोड़ा थोड़ा ही से करूँगी और यहाँ से ना मुझे मून बहुत अच्छा दिख रहा था तो मैंने सोचा आपको भी दिखाती हूँ और आज के लिए व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ और आपसे कल सुबह मिलती हूँ